सेना में करुणा से बिलोंग करता हूँ सर। मैं हमारे जो जेके पी गवर्नर साहब ने 800 पोस्ट निकाली है जेके पी सब इंस्पेक्टर के लिए, उसमें हमें एक रियलाइजेशन दी जाए सर। जो इन्होंने एज जो रखी है 18 से 28 साल के रखी है सर। आप मुझे बताइए सर, 18 साल का कौन सा ग्रेजुएट होता है, 19 साल का कौन सा ग्रेजुएट होता है सर? BDS को ग्रेजुएशन कंप्लीट करने में 4-5 साल लगते हैं सर। और जो सर CBCS सिस्टम आया है 2013 में जम्मू यूनिवर्सिटी में, कश्मीर यूनिवर्सिटी में, इसमें तो हमारा 5-6 साल ग्रेजुएशन में लग ही जाते हैं। और हमारा हमें एजुकेशन सिस्टम में देखिए, कभी कोविड, कभी क्या, कभी आर्टिकल 370 एब्रोगेशन, यहाँ पर क्या क्या हुआ है सर। हमारे हालात बहुत ही ख़राब रहे। ये जो पोस्ट थी सर, ये 2019 में आनी चाहिए थी, जो आप हालात खराब होने की वजह से, आर्टिकल 370 एब्रोगेशन की वजह से ये पोस्ट नहीं निकल पाई। फिर उसके बाद कोविड का 2 साल रहा सर। अब इन्होंने पोस्ट निकाली हैं सर, इन्होंने एज बार रखा है 18 से 28 साल। जो हम एस्पिरेंट्स हैं, JKPS एस्पिरेंट्स, ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो एस्पिरेंट है उसको एक ही चांस मिलता था पहले सर। कोई भी सब इंस्पेक्टर बनता था लाइफ जिंदगी में एक ही चांस मिलता है उसको सर। बाहर के स्टेटस में देखिए आप सर, 5-5 साल, 37 एज है, 45 तक भी एज है, 35 तक भी एज है सर। हमें जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 यहाँ पे रिमूव किया गया, तो वो बोलते हैं यहाँ पे ड्यूटी बाहर वाला जो सिस्टम होगा सब यहाँ पे इंप्लीमेंट होगा सर। बाहर वाला सिस्टम कहाँ पे है सर? यहाँ पे इंप्लीमेंट होना चाहिए, हमें इंसाफ मिलना चाहिए सर। और हम LG साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी जो एज बार है 21 से लेकर 35 तक जम्मू कश्मीर सब इंस्पेक्टर के लिए की जाए, ताकि हर एक कैंडिडेट को आगे पुलिस में अपने लोगों की खिदमत करने का मौका मिले सर।